भविष्य हमेशा बदलता रहता है। डैड तो मैंने उनकी आवाज सुनी, वो जिंदा है। कहाँ है वो? मुझे पता है वो यही है। क्या आप मेरी मदद करने आए हैं? वो सब कुछ तबाह कर देगा और उसके साथ ही दुनिया को खत्म करने की ताकत भी। तुम तो इतनी जल्दी नहीं मर सकते। मुझे कहे जाओ और फिर से जी। हम सब जंग लड़ रहे हैं अपने आप से। उसे जिंदगी मिलेगी आपके खून से। ये आंसू कृष्णा को धोखा दे सकते हैं, कृष को नहीं। इंसान को कभी ईश्वर बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। स्पेस रिसर्च सेंटर से जिस तरह के पॉजिटिव रेज भेजे जा रहे हैं वो मैंने इस डिवाइस में डाल दिए हैं। काश सब कुछ इस तरह खत्म ना हुआ होता। जब भी किसी इंडियन सुपर हीरो का नाम लिया जाता है तो उसमें क्रिस का नाम सबसे ऊपर होता है। काफी लंबे समय से हम क्रिस फ्रेंचाइजी की नेक्स्ट मूवी देखने के लिए काफी ज्यादा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फिल्म के थर्ड पार्ट को रिलीज हुए काफी लंबा समय हो गया है, लेकिन अभी तक इस मूवी का फोर्थ पार्ट को लेकर कोई भी अपडेट सुनने को नहीं मिली है। लेकिन अब जाकर फिल्म के फोर्थ पार्ट को लेकर खबरें सामने आ रही है, लेकिन अब इस फिल्म के लिए हमें काफी लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अपडेट ऐसी आ रही है कि पहले जहां फिल्म की शूटिंग 2024 के लास्ट तक स्टार्ट हो सकती थी, लेकिन अब जाकर इस फिल्म की शूटिंग 2025 के स्टार्टिंग में की जाएगी, क्योंकि अभी तक फिल्म की स्क्रिप्ट राइटिंग पर काम किया जा रहा है। और सुनने को मिला है कि अभी फिल्म की स्टोरी पर काम चल रहा है और फिल्म की स्टोरी पर काफी टाइम लगने वाला है, क्योंकि मेकर्स फिल्म की स्टोरी को काफी यूनिक तरीके से बनाना चाहते हैं। और अब की बात क्रिस 4 हमें जबरदस्त स्टोरी के साथ साथ कमाल के VFX देखने को मिलेंगे, इसीलिए अभी इस फिल्म के लिए हमें लंबा इंतजार तो करना ही पड़ेगा। साथ ही मेकर्स का कहना है 2025 के स्टार्टिंग में फिल्म की शूटिंग शुरू की जाएगी और फिल्म की शूटिंग में भी काफी लंबा समय लगने वाला है, क्योंकि अभी ऋतिक रोशन भी अपने आने वाली फिल्म वॉर 2 में बिजी है, जिसे 2024 के लास्ट तक कंप्लीट कर लिया जाएगा, जिसके तुरंत बाद ऋतिक रोशन क्रिस 4 मूवी की शूटिंग में काम शुरू कर देंगे। और जैसा कि आप सबको पता है कि अब की बार क्रिस 4 को एक इंटरनेशनल लेवल पर बनाया जाएगा और अब की बार हॉलीवुड लेवल की VFX यूज किए जाएंगे। तो वही फिल्म की कास्टिंग की बात करें तो फिल्म में हमें लीड रोल में ऋतिक रोशन देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी तक इसको लेकर ये अपडेट सामने नहीं आया है कि फिल्म में हमें प्रियंका चोपड़ा देखने को मिलेंगी या फिर नहीं, क्योंकि फिल्म की स्टोरी को इसके लास्ट पार्ट से कंटिन्यू किया जाएगा और लास्ट पार्ट में ऋतिक रोशन और प्रियंका चोपड़ा दोनों ही दिखाई दिए थे। और इस तरह काफी ज्यादा चांसेस है कि दोबारा से हमें प्रियंका चोपड़ा और ऋतिक रोशन की जोड़ी देखने को मिले। तो वही फिल्म के डायरेक्टर को लेकर भी काफी सारे अपडेट सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि अब की बार क्रिस 4 को राकेश रोशन जी डायरेक्ट नहीं करने वाले। जी हां दोस्तों, अब की बार क्रिस 4 को करण मल्होत्रा डायरेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, आप सब क्रिस 4 मूवी के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।